हम ईद उल अज़हा के मौके पर हज़रत इब्राहिम की सुन्नत पर अमल करते हुए ऊँट, बैल, मेंढा या बकरा कुर्बान करते हैं। आज मैं आपको अपने ईद की तैयारी के बारे में बताऊँ। छुट्टी के दिन मैं उमानी अबू और चचा के साथ मवेशी मंडी गए। हम बहुत खुश थे, हमने वहाँ ऊँट, बैल और बकरे देखे। मानी तो ऊंट को देख कर डर गया। बहुत से जानवर देखने के बाद हम सबको एक बकरा पसंद आ गया। अबू ने वो बकरा खरीद लिया और हम उसे घर ले आए। घर पहुंचते ही मानी भागा और मुन्नु और गुड़िया को भी बुला लाया। बस फिर क्या होना था, हम सब दोस्त मिलकर बकरे के नखरे उठाने में मसरूफ हो गए। हमने बकरे का नाम राजा रखा। उसे पत्ते और घास खिलाते, माने के लिए लेकर जाते। मैंने और गुड़िया ने तो मेहंदी के साथ बकरे पर ईद मुबारक भी लिखा। मानी और मुन्नू ने इसके लिए फूलों का हार बनाया। ईद के दिन जब बकरों का ज़िबा किया गया तो अम्मी ने इसका गोश्त रिश्तेदारों, ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम किया।